नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल आदाब वनकम एंड योर विथ नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 4 वेस्टर्न ओपन हेयर हेयर स्टाइल। सो या गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपने क्राउन सेक्शन के हेयर को सेपरेट कर लें और उसे रबर बैंड से टाई करें। लेकिन जब आप रबर बैंड से टाई करेंगे तो ध्यान रखें कि जब आप लास्ट रबर बैंड लगाएंगे तब आपको पूरा हेयर आपको बाहर नहीं निकालना, इस तरीके से आपको करना है। और उसके बाद बाकी के बचे हुए जितने भी हेयर हैं इस तरीके से रैप करके चारों तरफ रबर बैंड के बॉबी पिन से उसे सिक्योर कर दें। ये अगर आपका शॉर्ट हेयर है तो भी हो जाएगा, मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसलिए मैंने ज़्यादा रैप किया। मीडियम हेयर होगा तो भी आपका ये हेयर स्टाइल बन जाएगा। उसके बाद आप अच्छे तरीके से अपने हेयर को एडजस्ट कर ले, यू पिन से बॉबी पिन से इस तरीके से लगा ले। अब साइड में से एक और हेयर सेक्शन लेके उसमें 3 इक्वल सेक्शन करके नॉर्मल जैसा चोटी बनाते हैं बस उसी तरीके से नॉर्मल चोटी बना लें और उसे रबर बैंड से टाई कर लें। बस इसी तरीके से आपको दूसरे साइड भी बना लेना है एंड या गाइस दैट्स इट। सबसे पहले आगे से मीडियम हेयर सेक्शन ले लें और उसमें 2 इक्वल सेक्शन डिवाइड करके ट्विस्ट करें। आपको पूरा ट्विस्ट नहीं करना है, सिर्फ हाफ ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद उसे बस साइड में पिन से या किसी से भी बस टक करके उसे रख दें। उसके बाद आपको नीचे से जो कि आपका ईयर के पास का हेयर है वहाँ के हेयर को लेना है, फिर से आपको 2 इक्वल सेक्शन डिवाइड करना है और उसमें ट्विस्ट बनाना है। जैसे कि हमने पहले ट्विस्ट बनाया था बस उसी तरीके से वैसा ट्विस्ट बना लें। अब दोनों ही ट्विस्ट को, जो पहला वाला ट्विस्ट बनाया था और अब वाला, दोनों ट्विस्ट को जॉइंट करके फिर से आपको एक ट्विस्ट क्रिएट करना है और उसे पीछे ले जाके बॉबी पिन से सिक्योर कर दें। एंड या गाइस ये बहुत ही इजीली बन जाता है और दिखने में भी काफ़ी क्यूट और ट्रेंडी दिखता है। हेयर का मिडल पार्टीशन कर लें और आपको स्क्वायर सेक्शन क्रिएट करना है। अगर आपके पास इस तरीके का कोम नहीं है तो आप कोई भी पिन, यू पिन, बॉबी पिन से भी क्रिएट कर सकते हैं, बस एक पॉइंटेड चीज़ होनी चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद दोनों साइड में स्क्वायर सेक्शन क्रिएट करके बाकी के सारे बचे हुए हेयर को पीछे सेपरेट कर लें। अब जो आगे का सेक्शन हमने निकाला था उसमें आपको 2 इक्वल सेक्शन करने कुछ इस तरीके से, फिर आप पीछे वाले को सेपरेट कर लें और आगे वाले में आपको रबर बैंड से इसे इस तरीके से टाई कर लेना है। दूसरे साइड भी फिर से आपको वैसे ही सेम 2 सेक्शन करने हैं और आगे वाले में रबर बैंड से उसे इस तरीके से टाई कर लें। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखिए कि आगे वाला जो सेक्शन आपने है उसे लेना है और ट्विस्ट करना है और जो पीछे वाला सेक्शन हमने रखा था बना के पहले उसमें जॉइंट करके रबर बैंड से टाई कर लेना है। तो यहाँ पे एक क्रॉस बन जाएगा। बस इसी तरीके से आपको जो ये फ्रंट वाला हेयर सेक्शन है वो अपोजिट साइड में, दूसरे साइड में ले जाके वो वाले हेयर सेक्शन में ऐड करें और रबर बैंड से टाई कर लें। तो ये काफ़ी क्यूट, ट्रेंडी और वेस्टर्न आउटफिट पे ये बहुत ही अच्छा लुक देने वाला ये हेयर स्टाइल। मिडल पार्टीशन कर लें और फ्रंट हेयर सेक्शन कुछ इस तरीके से सेपरेट करके उसे रबर बैंड से टाई कर लें। बस इसी तरीके से आपको दूसरे साइड भी एक नॉर्मल सेक्शन लेना है अपने हेयर का और उसे रबर बैंड से टाई कर लें। अब इसमें बीच में से इस तरीके से पार्टीशन करके अंदर की तरफ आप उसे ट्विस्ट कर दें। दूसरे साइड भी बस इसी तरीके से बीच में इस तरीके से एक पार्टीशन करें और अंदर से इसे ट्विस्ट कर दें। अब ये जो दोनों हमने बनाया हुआ है पोनी, इन दोनों हेयर सेक्शन को जॉइंट करें पीछे और रबर बैंड से टाई करके फिर इसे अंदर की तरफ ट्विस्ट कर दें। एंड या गाइस ये बहुत ही क्विकली बन जाएगा, इजी है और दिखने में काफ़ी क्यूट और ट्रेंडी है।
बताइए कि इनमें से आपका कौन सा फेवरेट हेयर स्टाइल था। साथ ही वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी स्टाइलिश।